हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्रेक मास्टर सिलेंडर, टैंडम मास्टर सिलेंडर। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आपकी गाड़ियों में लगी हुई मास्टर सिलेंडर क्या काम करता है, कैसे काम करता है? एडवांटेज ऑफ टैंडम मास्टर सिलेंडर। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में जो ब्रेक मास्टर सिलेंडर है, उस ब्रेक मास्टर सिलेंडर का क्या काम होता है, कैसे काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ब्रेक मास्टर सिलेंडर के बारे में कि ब्रेक मास्टर सिलेंडर कैसे काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ब्रेक मास्टर सिलेंडर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ व्हीकल। ब्रेक मास्टर सिलेंडर जो होता है वह हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, ठीक है, जो कि गाड़ियों में लगाया जाता है। गाड़ी के हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में ब्रेक मास्टर सिलेंडर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ब्रेक मास्टर सिलेंडर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, ब्रेक मास्टर सिलेंडर को मेनली हम दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्चुअली क्या है कि ब्रेक मास्टर सिलेंडर मेनली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ ब्रेक मास्टर सिलेंडर। एक होता है नॉर्मल ब्रेक मास्टर सिलेंडर, दूसरा होता है टैंडम मास्टर सिलेंडर, ठीक है। नॉर्मल मास्टर सिलेंडर किसे कहते हैं फ्रेंड्स? देखिए, नॉर्मल ब्रेक मास्टर सिलेंडर जो होता है, ए नॉर्मल मास्टर सिलेंडर हैज वन पिस्टन एंड ओनली वन हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सर्किट। नॉर्मल मास्टर सिलेंडर जो होता है, उस मास्टर सिलेंडर के अंदर सिर्फ एक पिस्टन होते हैं और सिर्फ एक ही हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सर्किट होता है, ठीक है। ये नॉर्मल मास्टर सिलेंडर जो है, ये जनरली बाइक में या फिर पुरानी गाड़ियों में यूज होता था, ठीक है। अब की जो जितनी भी लेटेस्ट गाड़ी आ रही है, जितना भी कार आ रहे हैं, लेटेस्ट कार, बस वगैरह, सब में हम लोग टैंडम मास्टर सिलेंडर का यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मल ब्रेक मास्टर सिलेंडर में क्या होता है कि ओनली वन पिस्टन, सिर्फ एक ही पिस्टन होता है एंड वन हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सर्किट, और एक ही हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सर्किट होता है, ठीक है, एक ही फ्लूइड लाइंस होते हैं, ठीक है। लेकिन टैंडम मास्टर सिलेंडर जो होता है, टैंडम मास्टर सिलेंडर हैज टू सेपरेट हाइड्रोलिक चैंबर्स एंड टू सेपरेट हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सर्किट। इट हैज टू पिस्टन। टैंडम मास्टर सिलेंडर में क्या होते हैं कि दो अलग से एक हाइड्रोलिक चैंबर होता है, ठीक है, और दो अलग से हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सर्किट भी होता है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं हम, ये लाइन, ये फर्स्ट फ्लूड लाइन है, ये सेकंड फ्लूड लाइन है, ये दो फ्लूड लाइंस होते हैं किसमें, तो टैंडम मास्टर सिलेंडर में। लेकिन नॉर्मल जो पहले का जो मास्टर सिलेंडर है, जो नॉर्मल मास्टर सिलेंडर जो होते थे, जो कि पुरानी गाड़ियों में जनरली यूज होता था या फिर अभी भी बाइक वगैरह में यूज होता है, तो मास्टर सिलेंडर में क्या था, सिर्फ एक ही फ्लूड लाइंस होते थे, ठीक है, एक ही ब्रेकिंग सर्किट होता था, एक ही हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सर्किट होता था। लेकिन अभी की जितने भी टैंडम मास्टर सिलेंडर जो है, टैंडम मास्टर सिलेंडर में दो फ्लूड लाइंस होते हैं, ठीक है, दो फ्लूड लाइंस होते हैं, दैट मीन्स दो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सर्किट होता है। लेकिन मास्टर सिलेंडर जो होता है, होते थे, जो मास्टर सिलेंडर होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही पिस्टन होता है और एक ही ब्रेकिंग सर्किट होता है, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सर्किट एक होता है। बट टैंडम मास्टर सिलेंडर में क्या होता है कि दो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सर्किट होता है, ठीक है, इसमें दो चैंबर होता है, ठीक है, और टू सेपरेट हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सर्किट, दिस एंड दिस, ओके, और इसमें दो पिस्टन होते हैं। लेकिन मास्टर सिलेंडर में एक पिस्टन होते हैं, बट टैंडम मास्टर सिलेंडर में दो पिस्टन होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए
ये हम देखते हैं, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को समझते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि टेंडम मास्टर सिलेंडर में कौन कौन से कंपोनेंट से, कौन कौन से छोटे छोटे पार्ट्सों से बना हुआ ये कंपोनेंट टेंडम मास्टर सिलेंडर होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो टेंडम मास्टर सिलेंडर का फिगर है ड्रॉ किया हुआ, ठीक है, ये ऊपर में जो हम देख रहे हैं ये डब्बा जैसा, ये है फ्लूड रिजर्वर। इसको क्या बोलते हैं? फ्लूड रिजर्वर। ये होता है फ्लूड रिजर्वर। इस फ्लूड रिजर्वर में क्या होता है कि हमारा ब्रेक वाइल फिल किया हुआ रहता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्लूड रिजर्वर, ठीक है, या ब्रेक वाइल रिजर्वर। इसमें क्या होता है? ब्रेक वाइल भरा हुआ रहता है। ठीक है, इस फ्लूड रिजर्वर में मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल होता है जिसको हम लोगों को मेंटेन करना होता है। ठीक है, ये हुआ हमारा फ्लूड रिजर्वर जिसमें कि ब्रेक वाइल फिल किया हुआ रहता है। ठीक, और ये जो देख रहे हैं ये रॉड जैसा बना हुआ, इसको बोलते हैं हम पुश रॉड। ये क्या है? पुश रॉड। ठीक, और यहां जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं पिस्टन। ये पिस्टन है, प्राइमरी पिस्टन है इसमें, क्योंकि ये टेंडम मास्टर सिलेंडर है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है कि दो पिस्टन बना हुआ है, दो पिस्टन है, एक प्राइमरी पिस्टन होता है और दूसरा सेकेंडरी पिस्टन। इसमें इस टेंडम मास्टर सिलेंडर में क्या है? दो पिस्टन है, एक पिस्टन को, एक पिस्टन यहां है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी पिस्टन। ठीक है, और दूसरे वाले को बोलते हैं हम सेकेंडरी पिस्टन। ये सेकेंडरी पिस्टन, ये प्राइमरी पिस्टन है और ये सेकेंडरी पिस्टन है। ठीक है, और इसके ये जो देख रहे हैं ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है। ये हुआ हमारा पुश रॉड, ये प्राइमरी पिस्टन, ये सेकेंडरी पिस्टन, और इसको बोलते हैं हम फ्लूड रिजर्वर। ठीक है, और ये जो लाइन देख रहे हैं, ये वाला जो लाइन जो है फ्लूड लाइंस, इस फ्लूड लाइंस को बोलते हैं फर्स्ट फ्लूड लाइंस, जो कि रियर ब्रेक के लिए होता है। ये जो फर्स्ट फ्लूड लाइंस है ये रियर ब्रेक के लिए, रियर ब्रेक से इसका कनेक्शन होता है, रियर ब्रेक के व्हील सिलेंडर से। अगर ब्रेक शू है तो व्हील सिलेंडर से, और अगर डिस्क ब्रेक है तो कैलिपर से। क्लियर है? तो इसका जो कनेक्शन क्या है? रियर ब्रेक से। जनरली गाड़ी में हम लोग पीछे वाला जो रियर ब्रेक होता है उसमें ब्रेक शू होता है, और आगे का जो दो ब्रेक है ना, आगे का फ्रंट जो लेफ्ट एंड राइट, उसमें डिस्क होता है। अब तो चारों गाड़ी में भी डिस्क आने लगा है। तो ये जो है ये फर्स्ट फ्लूड लाइंस, और इस लाइन को बोलते हैं हम सेकेंडरी फ्लूड लाइंस। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फ्लूड लाइंस। इस सेकेंडरी फ्लूड लाइंस का कनेक्शन किससे होता है? तो फ्रंट ब्रेक से। क्लियर है फ्रेंड्स? ये हमारा टेंडम मास्टर सिलेंडर है। इस टेंडम मास्टर सिलेंडर में दो फ्लूड लाइंस होते हैं, एक फ्लूड लाइंस को हम फर्स्ट फ्लूड लाइंस बोलते हैं, दूसरा को सेकेंड फ्लूड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट फ्लूड लाइंस का कनेक्शन किससे होता है? तो रियर ब्रेक से, रियर ब्रेक के व्हील सिलेंडर से। दैट मींस रियर ब्रेक से उसका कनेक्शन होता है, और सेकेंड फ्लूड लाइंस जो होता है उसका कनेक्शन होता है फ्रंट ब्रेक से। क्लियर है? लेकिन नॉर्मल ब्रेक सिस्टम में क्या है कि इसमें दो फ्लूड लाइंस नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही फ्लूड लाइंस होते हैं, बट टेंडम मास्टर सिलेंडर में दो फ्लूड लाइंस होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो टेंडम मास्टर सिलेंडर काम कैसे करता है उसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा हम लोग जानते हैं और समझते हैं। अभी फिगर से आपको पता चल गया कि कौन सा पार्ट्स को क्या बोलते हैं। ये टेंडम मास्टर सिलेंडर का फिगर है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, इस पार्ट्स को पुश रॉड बोलते हैं। ये पुश रॉड है जो कि पुश करता है पिस्टन को। ठीक है, जब प्रेशर पड़ता है ना ब्रेक पैडल पे, जैसे ही हम प्रेशर डालेंगे तो पुश रॉड की सहायता से पिस्टन पे प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशराइज होके पिस्टन इसके अंदर का जो फ्लूड है ना वो आगे की ओर बढ़ेगी, और जाके कहां पहुंचेगा? तो भैया व्हील सिलेंडर में। और व्हील सिलेंडर से जैसे ही पहुंचेगा तो व्हील सिलेंडर एक्सपैंड करेगा, और उस व्हील सिलेंडर का कनेक्शन किससे होता है? पिछले लेशन में आपको, पिछले वीडियो में आपको बताए हैं ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में उस व्हील सिलेंडर का कनेक्शन किससे होता है? तो ब्रेक शू से। और वो ब्रेक शू को पुश करेगा, और पुश करते ही क्या होगा कि ब्रेक ड्रम से कॉन्टेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक ड्रम को अटैच करेगा, जैसे ही ब्रेक ड्रम पे चिपकेगा, ब्रेक ड्रम को अटैच करेगा तो ब्रेक तो गाड़ी हमारी रुक जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये क्या हुआ? ये में हमारा पुश रॉड हुआ, और ये क्या हुआ? इस पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी पिस्टन, और इस पार्ट्स को बोलेंगे सेकेंडरी पिस्टन।
मतलब एक पहला एक दूसरा पिस्टन, क्लियर है। अभी क्या है कि ऊपर में जो ये देख रहे हैं ये डब्बा जैसा भला हुआ, इस डब्बे को बोलते हैं हम फ्लूड रिजर्वर। जिस फ्लूड रिजर्वर में क्या भरा हुआ रहता है, तो ब्रेक वाइल भरा हुआ रहता है। ब्रेक वाइल के दो ग्रेड होते हैं, जैसे कि डॉट थ्री डॉट फोर है ना, यूज करते हैं हम लोग। तो इसको इस फ्लूड रिजर्वर में ब्रेक वाइल भरा हुआ रहता है। और ये जो देख रहे हैं ये दो पॉर्ट है, इसको पॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी पिस्टन, ये सेकेंडरी पिस्टन, और ये फर्स्ट फ्लूड लाइंस जिसका कनेक्शन रियर ब्रेक से होता है, और ये है आप ये है कौन सा सेकेंड फ्लूड लाइंस जिसका कनेक्शन किससे है भाई, तो फ्रंट ब्रेक से। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूं आपको, समझिए। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि इस टैंडम मास्टर सिलेंडर में इस पुश रॉड का कनेक्शन होता है किससे, तो मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बता। ये ऐसे ही रफली मैं ड्रॉ किया हूं, ये ब्रेक पैडल है, ठीक है। इस पुश रॉड का कनेक्शन होता है ब्रेक पैडल से। ब्रेक पैडल पे ड्राइवर जैसे ही फोर्स लगाता है, जैसे ही दबाव लगाता है, तो क्या होता है कि टैंडम मास्टर सिलेंडर का जो पुश रॉड से इसका कनेक्शन होता है, टैंडम मास्टर सिलेंडर में प्रेशर लगता है और वो आगे की ओर मूव करती है। यहां ब्रेक पैडल में दबाव लगाया, जैसे ही ब्रेक पैडल में हम दबाव लगाएंगे तो ये जो पुश रॉड है आगे की ओर पुश करेगा किसको, तो आगे, तो टैंडम मास्टर सिलेंडर के अंदर जो प्राइमरी पिस्टन है उसको पुश करेगा, क्लियर है। प्राइमरी पिस्टन को वो पुश करेगा ये पुश रॉड, हम ब्रेक पैडल पे प्रेशर डालें, ब्रेक पैडल को दबाएं, तो क्या हुआ कि ब्रेक पैडल का कनेक्शन है इस पुश रॉड से, ठीक है, लिंकेज की सहायता से ब्रेक पैडल का कनेक्शन है पुश रॉड से। ब्रेक पैडल को जैसे ही दबाएंगे तो ये पुश रॉड जो है पुश करेगा किसको, तो टैंडम मास्टर सिलेंडर के अंदर जो प्राइमरी पिस्टन है उस पर प्रेशर लगाएगा। और इस टैंडम मास्टर सिलेंडर के अंदर क्या भरा हुआ है, तो फ्लूड भरा हुआ है, ब्रेक वाइल भरा हुआ है। फिर ये पिस्टन प्रेशर डालेगा किसको, तो आगे वाले पिस्टन को, सेकेंडरी पिस्टन पे भी प्रेशर लगेगा। अभी क्या है कि जैसे ही प्रेशराइज हुआ, प्रेशर लगा, ठीक है, इस पैडल से, पैडल के दबाने से, पुश रॉड से आते हुए पुश रॉड दबा, पुश रॉड के दबाने से इस टैंडम मास्टर सिलेंडर के अंदर जो फ्लूड भरा हुआ है उस फ्लूड पे भी प्रेशर लगा, वो प्रेशर वो फॉरवर्ड हुआ, आगे की ओर बढ़ी। और ये जो है पिस्टन, प्राइमरी पिस्टन में प्रेशर लगा और सेकेंडरी पिस्टन में प्रेशर लगा, तो इससे क्या हुआ कि इस टैंडम मास्टर सिलेंडर के अंदर जो फ्लूड लाइंस है, जो ये फर्स्ट फ्लूड लाइंस है, उस फ्लूड लाइन से कनेक्शन, उस फ्लूड लाइन से जो पाइप का कनेक्शन जो व्हील से होता है, व्हील के ब्रेक्स मास्टर सिलेंडर व्हील सिलेंडर से जो होता है, उस व्हील सिलेंडर पे वो प्रेशर आगे की ओर बढ़ी। और जैसे ही वो प्रेशर, फ्लूड का प्रेशर जब व्हील सिलेंडर के पास पहुंचा, तो व्हील सिलेंडर अपना काम करना शुरू किया, व्हील सिलेंडर पे भी प्रेशर पड़ा। व्हील सिलेंडर कुछ इस तरह से होता है जैसे कि आपको हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। अब क्या है कि इस तरह से, ये रफली मैं बता रहा हूं, ये ब्रेक शू है, ठीक है, इस ये व्हील सिलेंडर क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, और ये ब्रेक शू क्या होगा कि ब्रेक ड्रम पे जाके चिपक जाएगी, दैट मींस गाड़ी हमारी रुक जाएगी। तो कुछ इस तरह से ही ये टैंडम मास्टर सिलेंडर काम करता है। अगर फिर उसके बाद क्या हो, अगर ये फर्स्ट फ्लूड लाइंस में, सेकेंड फ्लूड लाइंस का कनेक्शन किससे होगा, क्योंकि प्रेशर आगे भी बढ़ेगा, ये प्राइमरी पिस्टन सेकेंडरी पिस्टन को भी प्रेशर डालेगा, ठीक है। तो ये सेकेंड फ्लूड लाइंस का कनेक्शन किससे रहता है, तो फ्रंट ब्रेक से। सेकेंड फ्लूड लाइंस का जो पाइप गया हुआ रहता है उसका कनेक्शन किससे है, तो आगे के ब्रेक से। तो अगर आगे के ब्रेक में डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, तो उस डिस्क ब्रेक के अंदर जो कैलिपर होता है, ठीक है ना, डिस्क ब्रेक में जो लगा हुआ जो कैलीपर है, ब्रेक कैलीपर है, उस ब्रेक कैलीपर में फ्लूड जाएगी और प्रेशर डालेगा। और प्रेशर डालने से क्या होगा कि डिस्क प्लेट के बीच में जो क्या लगा हुआ रहता है, तो ब्रेक पैड, उस ब्रेक पैड में प्रेशर डालेगा और वो ब्रेक पैड क्या होगा कि डिस्क प्लेट के कॉन्टेक्ट में आएगा और गाड़ी हमारी रुक जाएगी। तो कुछ इस तरह से ही हमारा ये टैंडम मास्टर सिलेंडर काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स।
लेकिन दूसरा क्या होता है कि मास्टर सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर में क्या होता है कि हमारा फ्लूड लाइंस एक होता है, एक ही होता है, लेकिन ये टैंडम मास्टर सिलेंडर में दो फ्लूड लाइंस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अब हम जानते हैं एडवांटेज ऑफ टैंडम मास्टर सिलेंडर। टैंडम मास्टर सिलेंडर का क्या एडवांटेज होता है? ठीक है, एडवांटेज ऑफ टैंडम मास्टर सिलेंडर, देखिए, इफ वन ऑफ दिस सर्किट बिकम्स इनऑपरेटिव द अदर सर्किट कैन स्टिल फंक्शन टू स्टॉप द व्हीकल। फ्रेंड्स होता क्या है कि गाड़ी अगर हमारी रनिंग में है, गाड़ी ड्राइव पोजीशन में है, ठीक है, गाड़ी अगर चल रही है, कार हमारी ड्राइव पोजीशन में है, कार चल रही है, रनिंग में है रोड पे, ठीक है, तो होता क्या है कि अगर टैंडम मास्टर सिलेंडर अगर उस गाड़ी में लगी हुई हो, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में उस कार में अगर टैंडम मास्टर सिलेंडर अगर लगी हुई हो, तो होता क्या है कि अगर एक फ्लूड लाइंस, सपोज अगर ये फर्स्ट फ्लूड लाइंस काम करना बंद कर दे, सपोज मान लीजिए कि अगर फर्स्ट फ्लूड लाइंस के अंदर का जो फ्लूड है वो क्या है, वो लीकेज कर जाए, लीक कर जाए कहीं से भी किसी वजह से, तो क्या होगा कि फर्स्ट फ्लूड लाइंस क्या होगा कि काम नहीं करेगा। तो फर्स्ट फ्लूड लाइंस, क्योंकि वो बिल्कुल क्या होता है टैंडम मास्टर सिलेंडर में क्या होता है कि इसमें टू सेपरेट हाइड्रोलिक चैम्बर है, इसका कनेक्शन अलग है, इसका कनेक्शन अलग है, ठीक है, तो अगर फर्स्ट फ्लूड लाइंस अगर काम करना बंद कर दे, गाड़ी चल रही है, चलने वाली अवस्था में है, और गाड़ी अगर किसी वजह से अगर फर्स्ट फ्लूड लाइंस अगर काम ना करे, तो हमारा दूसरा फ्लूड लाइंस जो है वो काम करेगा, और उस फ्लूड लाइंस की सहायता से, उस फ्लूड लाइंस की सहायता से हमारी गाड़ी क्या होगा, रुक जाएगी और हम एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे। ये सेफ्टी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, सेफ्टी के लिए काफी यूजफुल है, ठीक है। इस वजह से क्या है कि अभी की जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे कार बस जो भी है, हर गाड़ियों में अब टैंडम मास्टर सिलेंडर ही यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि पहले वाली जो मास्टर सिलेंडर था, उस मास्टर सिलेंडर में क्या था कि एक ही फ्लूड लाइंस था। अब एक फ्लूड लाइंस होने से क्या था, क्या होता है, होता था कि अगर किसी न किसी किसी वजह से उस हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर कहीं ना कहीं से कोई खराबी आ जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए, सपोज मान लीजिए व्हील सिलेंडर से लीकेज कर गया है ना, या ब्रेक पाइप का ही लीकेज हो गया, जिससे क्या होगा कि ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक अप्लाई नहीं होगा, तो उस पोजीशन में एक्सीडेंट होने का ज्यादा चांसेस था, सिंपल नॉर्मल मास्टर सिलेंडर में। लेकिन टैंडम मास्टर सिलेंडर में एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि क्या है कि अगर एक फ्लूड लाइंस अगर काम करना बंद कर दे, अगर एक फ्लूड लाइंस से अगर कहीं ना कहीं से अगर ब्रेक वाइज लीक कर जाए, या किसी न किसी वो किसी वजह से वो ब्रेक फ्लूड लाइंस काम ना करे, तो हमारा सेकेंड फ्लूड लाइंस जो है वो काम करेगा ही करेगा, उस सेकेंड फ्लूड लाइन से गाड़ी को हम रोक देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों फर्स्ट फ्लूड लाइंस और सेकेंड फ्लूड लाइंस, टैंडम मास्टर सिलेंडर में कितने फ्लूड लाइंस होते हैं, तो दो फ्लूड लाइंस होते हैं, एक फर्स्ट लाइंस, एक सेकेंड लाइंस। फर्स्ट लाइन का कनेक्शन ब्रेक, रियर ब्रेक से होता है, और फर्स्ट ये सेकेंड फ्लूड लाइंस का फ्रंट ब्रेक से। तो अगर भाई अगर एक फ्लूड लाइंस अगर काम करना बंद कर देगा, तो दूसरा फ्लूड लाइन से तो गाड़ी रुक जाएगी ना, तो क्या होगा कि हम एक्सीडेंट होने से, हमारी कार बच जाएगी, हम एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे। यही वजह है कि अभी की जितनी भी गाड़ियां हैं, उस उन सारी गाड़ियों में टैंडम मास्टर सिलेंडर का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि टैंडम मास्टर सिलेंडर हैज टू सेपरेट हाइड्रोलिक चैम्बर एंड टू सेपरेट हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सर्किट, फर्स्ट सर्किट एंड सेकेंड सर्किट, इट हैज टू पिस्टन। क्योंकि टैंडम मास्टर सिलेंडर में क्या है कि दो सेपरेट हाइड्रोलिक चैम्बर है, दो अलग अलग हाइड्रोलिक चैम्बर दिया हुआ है, और इसमें दो पिस्टन है, ठीक है, और दो फ्लूड लाइंस है, दो अलग अलग फ्लूड लाइंस है, दो अलग अलग हाइड्रोलिक चैम्बर भी दिया हुआ है, जिससे क्या है कि अगर एक फ्लूड लाइंस अगर काम करना हमारा बंद कर देगा, तो दूसरे फ्लूड लाइन से की सहायता से गाड़ी अगर चल रही है, और चलते हुए अवस्था में अगर एक फ्लूड लाइंस अगर हमारा काम करना बंद कर दे, तो दूसरे फ्लूड लाइन की सहायता से गाड़ी को हम रोक सकते हैं और हम एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे। यह सेफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि अभी की जितनी भी गाड़ियां हैं, सब गाड़ी में हम लोग टैंडम मास्टर सिलेंडर का ही यूज करते हैं, क्योंकि इसमें दो फ्लूड लाइंस होते हैं, बट मास्टर सिलेंडर में एक ही फ्लूड लाइंस थे,
जो कि नॉर्मल मास्टर सिलेंडर था जिसमें कि एक ही सर्किट था, एक ही ब्रेकिंग सर्किट था, इसलिए उसे अब बंद कर दिया गया है। वो जनरली क्या है कि बाइक में या छोटे छोटे गाड़ियों में यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी की जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी भी हाईटेक गाड़ियां हैं ना, कार बसेस वगैरह, सब में अब हम लोग टैंडम मास्टर सिलेंडर का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा टैंडम मास्टर सिलेंडर के बारे में कि टैंडम मास्टर सिलेंडर क्या होता है, क्या एडवांटेज है टैंडम मास्टर सिलेंडर का। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।